शराबबंदी की मांग को लेकर दुर्ग में भाजपा महिला मोर्चा ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। शराबबंदी की वादा खिलाफी को लेकर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा रविवार को दुर्ग के पटेल चौक में चक्का जाम कर आक्रोश जताया गया। यहां भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत और जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा के मार्गदर्शन में महिला मोर्चा की जिले भर की प्रमुख नेत्रियों ने जिला अध्यक्ष दिव्या कलिहारी के नेतृत्व में पटेल चौक में चक्का जाम करते हुए जमकर नारेबाजी कर आक्रोश जताया। इससे पहले दुर्ग की भाजपा कार्यालय में बैठक आहूत की गई और जिला भाजपा कार्यालय से पटेल चौक तक पैदल मार्च किया गया, जहां शराबबंदी की वादा खिलाफी का विरोध करने वाली महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस की परवाह न करते हुए महिला मोर्चा के नेत्रियों ने यहाँ पर जमकर प्रदर्शन किया। ये चक्का जाम आगे भी हमारा बिल्कुल चलता रहेगा, जब तक हमारी सरकार, हमारी भाजपा सरकार नहीं आ जाती, हम इस आंदोलन को बिल्कुल जारी रखेंगे, क्योंकि इतने सारे घोटाले हो चुके हैं। अब हमारी, हम महिलाएं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और इसका हम बिल्कुल से विरोध करेंगे। ग्रैनी सीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।